बड़ा फुहारा व घमंडी चौक स्थित कपड़े के कुछ बड़े शोरूम संचालक ग्राहकों के साथ खुलेआम धोखाधड़ी कर रहे थे। सड़क छाप कपड़ों व पैकिंग पर प्रतिष्ठित कंपनी का मोनो लगाकर ग्राहकों को ज्यादा कीमत पर बेचा जा रहा था। संबंधित कंपनी की शिकायत पर पुलिस ने बुधवार को 5 शोरूमों में दबिश देकर प्रतिष्ठित कंपनी के नाम सड़क छाप कपड़े बेचते हुए 5 संचालकों को रंगे हाथ पकड़ा है। नकली कपड़ों के सैंपल जब्त कर संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। लॉर्डगंज थाना प्रभारी प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने बताया कि प्लाट नंबर 14 LT एम्प्लॉयज सोसाइटी विजयनगर मारोल मारुचि रोड अंधेरी ईस्ट मुंबई निवासी मनोज गढ़वत की शिकायत पर उक्त कार्रवाई की गई। 5 शोरूम में रेमंड कंपनी के नाम पर बेचे जा रहे कपड़ों के थान पैंट व शर्ट के गिफ्ट पैक जब्त किए गए। जब्त कपड़ों के सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे। थाना प्रभारी श्रीवास्तव ने बताया कि मनोज ने पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुड़ा से शोरूम संचालकों के खिलाफ शिकायत की थी। मनोज ने बताया था कि वे मेसर्स पास एंड वरियट एजेंसी मुंबई के संचालक है। रेमंड कंपनी लिमिटेड से उनकी कंपनी को अधिकार दिया गया है ताकि रेमंड के नाम पर नकली कपड़े बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई कराई जा सके। पुलिस अधीक्षक ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए थे। पुलिस अधीक्षक ने निर्देश पर पुलिस ने बड़ा फुहारा व घमंडी चौक स्थित रानी साहिबा मीनाक्षी बॉम्बे कटपीस एम्पोरियम पीपल वाला शॉप आनंद कटपीस एवं गारमेंट्स श्री विजय शोरूम में दबिश दी। शोरूम संचालकों की मौजूदगी में रेमंड कंपनी के नाम से बेचे जा रहे कपड़ों की जांच की गई, जहां बड़ी तादाद में रेमंड नाम से बेचे जा रहे कपड़े मिले, जिसके बाद शोरूम में संचालकों के समक्ष कपड़ों को जब्त करते हुए उनके सैंपल लिए गए। जब्त सैंपल की नियमानुसार जांच कराने के बाद निर्देश पुलिस अधीक्षक ने दिए। शोरूमों में दबिश के बाद पुलिस ने मनोज गढ़वत पाई की शिकायत के आधार पर संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज की। इस दौरान पुलिस थाने में कई व्यापारी FIR कार्रवाई रोकने के इरादे से पहुंचे, परंतु पुलिस की सख्ती के कारण उन्हें थाने से भागना पड़ा। थाना प्रभारी ने बताया कि शोरूम संचालकों के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट की धारा 51-63 के तहत FIR दर्ज की गई है।